हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरिफ खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम B.R. अंबेडकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं UGC नेट एग्जामिनेशन में 2024 के बीच में, उन सभी क्वेश्चन की इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। और हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे UGC नेट एग्जामिनेशन में उनकी हमने इन डिटेल एनालिसिस की है, और उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली आज के सेशन में हम B.R. अंबेडकर को कवर करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे दिसंबर 2004 में पूछा गया है। B.R. अंबेडकर फाउंड सोलेस इन द टीचिंग ऑफ B.R. अंबेडकर को सांत्वना किस अवबोधन से उपलब्ध हुई। अगर बात करें B.R. अंबेडकर की तो आप जानते हैं कि B.R. अंबेडकर जो है उनका संबंध दलित समुदाय से था, वो एक दलित समुदाय के नेता थे, और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अपने स्तर पे कोशिश की। हिंदू धर्म के अंदर पहले उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए जो है दलितों के उत्थान के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया जाए, और उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश की। जैसे कि मंदिर में प्रवेश का के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, और उसके अलावा आप देखें उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए रिजर्व सीट, और उसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब आरक्षित सीटों की उन्होंने मांग की कि दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दी जाएँ, उसके अलावा उनको पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। लेकिन B.R. अंबेडकर की जो मांगे थी दलितों के उत्थान के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो पूरी नहीं हो सकी। और फाइनली एक चीज़ उन्होंने ये भी महसूस की कि हिंदू धर्म के अंदर रह करके जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण और समानतापूर्ण जो है जीवन नहीं मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें जिसे जून 2006 में पूछा गया है, और यहाँ पे आपको देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और थिंकर के नाम दिए गए हैं। आपको बेसिकली पेयर को मैच करना है, जो जोड़े हैं उनको सही मिलाना है। और आप देखें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें जो ऑप्शन डी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म इन हिस्ट्री, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको B.R. अंबेडकर ने नहीं दिया है, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अरविंदो घोष ने दिया है। अरविंदो घोष, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसे जून 2008 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आप देखें आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक तरफ किताबों के नाम दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और दूसरी तरफ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। आपको इनको मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को B.R. अंबेडकर ने लिखा था 1936 में, और इस बुक का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करना है तो B.R. अंबेडकर ये तर्क देते हैं कि अंतर जाति के विवाह के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज के थ्रू जो है जाति व्यवस्था को जो है समाप्त किया जा सकता है। ये जो कुछ नेता हैं, ये जो दलितों के साथ बैठकर के खाना खाते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, तो साथ में बैठकर भोजन करने से या बातचीत करने से ये जो जाति व्यवस्था ये समाप्त नहीं हो जाएगी। जाति व्यवस्था को समाप्त करने का बस एक ही तरीका है, वो ये कि उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों से विवाह करें, और जब उनका ब्लड से ब्लड जब मिक्स होगा तो ये जो जाति व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। और एनिहिलेशन का मतलब ही होता है, एनिहिलेशन का मतलब क्या कि उसको जड़ से समाप्त करना, उसके अस्तित्व को समाप्त करना। और हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज को 1909 में जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है गांधी के ऊपर में, और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाकर देख सकते हैं। कनिंग रीजन की बात करें, इस कॉन्सेप्ट को जो है हीगल ने दिया था, और ह्यूमन साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अरविंदो घोष से संबंधित है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखें हमने जो है
यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने जो है ए को मैच किया हमने थर्ड से, और हमने डी को मैच किया फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए, ए को थर्ड से मैच कब निकाल दिया, डी को पहले से, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और इसे दिसंबर 2010 में पूछा गया है। इन हिज बुक द अनटचेबल, बी आर अम्बेडकर गेव द फॉलोइंग थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ अनटचेबल। ये जो अम्बेडकर की बुक है द अनटचेबल, उसमें जो दलितों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में वो बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस सिद्धांत के माध्यम से वो ये मानते हैं कि दलितों की उत्पत्ति हुई है। तो आप देखें, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है जिसमें पूरे समाज को चार वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार समुदाय हैं। और इसमें देखें, ये जो शूद्र है इसको इस वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, एकदम बिल्कुल हाशिए पर रखा गया है। और हम देखते हैं कि समय के साथ क्या होता है कि ये जो शूद्र जाति के जो लोग हैं इनके साथ जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो भेदभाव और अपमानजनक, अनडिग्निफाइड तरीके से जो है उनके साथ पेश आते थे, उनके साथ बिहेव करते थे। और फिर क्या हुआ कि इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो शूद्र जाति के जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया समानता की खातिर, ताकि उनके साथ जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव ना हो, उसके लिए उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और चूंकि आप देखें, बेसिकली ये जो समुदाय था शूद्र समुदाय, इसमें आप जाते हैं चमार जाति के जो लोग होते हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो गाय का जो गोश्त है वो खाना शुरू कर दिया, जो बीफ है गौ मांस उसको खाना शुरू कर दिया। और आप देखें, इस वजह से क्या है कि जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं इन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है वापसी कर ली, अपने हिंदू धर्म में वापसी कर ली, उन्होंने बुद्धिज्म को छोड़ दिया और गाय के गोश्त को भी खाना छोड़ दिया। और कुछ लोग जो है ऐसे रह गए ना, जिसको ना जिन्होंने ना तो उस बौद्ध धर्म को छोड़ा और ना गाय के मांस को, क्योंकि गाय का मांस जो है वह सस्ता होता था इसलिए। और एक चीज़ ये भी कि ये जो समुदाय था वो चमड़े का काम करता था, जानवरों की खाल निकालने का काम करता था, तो इसलिए उनको उनके लिए जो बीफ था वो अफोर्डेबल था, इजी टू अचीव था, उसको हासिल करना आसान था और किफ़ायती भी था, सस्ता भी था, इसलिए जो है उन्होंने इसको जो है अडॉप्ट किया और खाना शुरू किया। तो ये जो इसमें बेसिकली जो है एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं बी आर अम्बेडकर, ब्रोकन मैन का, ब्रोकन मैन, दलितों की उत्पत्ति के कॉन्टेक्स्ट में वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि ब्रोकन मैन, टूटे हुए आदमी। तो यही टूटे हुए आदमी है जिनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, जाति ये जो जाति व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उससे जो है चिंतित होकर के, परेशान होकर के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और गाय का मांस जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्राह्मणों ने क्या किया कि गाय को जो है उन्होंने पवित्र घोषित कर दिया, उन्होंने खुद उसको कंज्यूम नहीं किया, उसको खाया नहीं और उसको जो है पवित्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे दिसंबर 2010 में पूछा गया है। अगेन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। तो आपने देखा कि शुरुआती क्वेश्चन में आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो बुक है जिसको बी आर अम्बेडकर ने 1936 में लिखा था, और फिर अगेन आप देख रहे हैं, तो इसका क्या सीधा सा मतलब है ये कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ये वो अलग बात है कि बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2011 में पूछा गया है। अगेन आपको यहाँ पे दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं जो पिछली हमारी वीडियो गांधी वाली, तो उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए जून 2012 में पूछा गया है, अगेन आपको यहाँ दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा समझें। ये जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन जो आप देखें लिस्ट वन में जो स्टेटमेंट है, आई वॉज बॉर्न ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, मैं हिंदू के रूप में, मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं। 1935 में, 1935 में नासिक में
बी आर अम्बेडकर एक कॉन्फ्रेंस को, एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में थे, एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने उस मंच से कहा कि मेरा जो जन्म है वो एक हिंदू के तौर पे हुआ है, लेकिन जो मेरी मृत्यु है एक हिंदू के तौर पे नहीं होगी। उसके पीछे कारण ये था कि आप देखें 1932 में जो है 16 अगस्त को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड, इसको हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, उसकी घोषणा की। और इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, मतलब क्या कि उनको पृथक निर्वाचक मंडल मिलेगा, जहाँ पे जो है कि एक विशेष क्षेत्र में क्या है कि दलित समुदाय के लोगों के लिए वो सीट एक तरह से रिजर्व हो गई है, और उस पर दलित समुदाय के लोग इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वोट देने का काम भी जो है उसी समुदाय के लोग करेंगे। बिल्कुल, इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। और चूंकि इस अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को किया गया, और उसके बाद बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा की गई, प्रोक्लेमेशन किया गया रमजे मैकडोनाल्ड के माध्यम से, तो गांधी ने इसका विरोध किया, और गांधी ने पूना की यरुदा जेल में इसके खिलाफ जो है अनशन शुरू कर दी। उन्होंने उपवास रखा और उन्होंने कहा कि मैं उपवास उस वक्त तक रखूंगा जब तक कि इस अवार्ड को, इस व्यवस्था को, पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी बी आर अम्बेडकर की, इसको समाप्त नहीं कर दिया जाता है। और बेसिकली क्या हुआ कि जब गांधी ने उपवास रखना जेल में शुरू किया, तो बी आर अम्बेडकर के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, और इस बात की उनको आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी की जो है उपवास की वजह से, आमरण अनशन की वजह से जो है उनकी मृत्यु हो जाए। तो इस वजह से फिर आप देखते हैं कि पूना पैक्ट हुआ। आपने पूना पैक्ट सुना होगा नाम, पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में ये जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसलिए ये जो पैक्ट है गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जो है उस वक्त कहाँ पे थे, पूना की यरुदा जेल में थे। तो यहाँ पे एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन था और पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन था, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था यूपी का उसमें भी क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट में जो है हिंदू समुदाय की तरफ से जो है साइन किसने किया था, जो उच्च जाति के जो हिंदू हैं ब्राह्मण समुदाय के उनकी तरफ से साइन किसने किया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, MMM, मदन मोहन मालवीय ने जो है उस पर साइन किया था। और इसके बाद क्या है कि हिंदुओं को एक अलग समुदाय नहीं माना गया, बल्कि जो है हिंदू धर्म के अंदर ही उनको रखा गया, और उनको जितनी सीटें मिलनी थी उससे अधिक कहीं सीटें दी गई, लेकिन यह कि उनको हिंदू धर्म से अलग नहीं किया गया, बल्कि उनको जो है सिर्फ उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई, और ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी ये जो है समाप्त हो गई। तो बी आर अम्बेडकर ने ये देखा कि जिन चीज़ों के लिए वो शुरुआती दौर से लड़ रहे थे वो चीज़ें संभव नहीं हो सकी। तो बी आर अम्बेडकर ने ये महसूस किया कि हिंदू धर्म के अंदर ये संभव नहीं है कि दलितों का उत्थान हो सके, दलितों के उत्थान के लिए कोई कार्य किया जा सके। और ये जो उन्होंने घोषणा की तभी नासिक में की, और आप जानते हैं कि 1935 में उन्होंने नासिक में ये घोषणा की, और उसके बाद एक लंबा समय उन्होंने लिया चीज़ों को समझने का, और फाइनली 14 अक्टूबर को 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया अपने फॉलोअर्स के साथ, बड़ी संख्या में जो है, लगभग कुछ किताबों में 3 लाख मिलता है, कुछ किताबों में 5 लाख मिलता है, मतलब अपने सभी फॉलोअर्स के साथ सॉरी अपने सभी फॉलोअर्स के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसके बाद आप देखें ये जो 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म है, 20वीं शताब्दी जैकोबिनिज्म, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, तो ये जो बुक है इसको MN रॉय ने लिखा है। ये इस बुक को उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अपना करके, मार्क्सिन परस्पेक्टिव से जो है इस बुक को उन्होंने लिखा है। और ये जो वॉलेंट्री पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, स्वैच्छिक निर्धनता,
इसको ये किसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये महात्मा गांधी का, जो उनका ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। और इंटीग्रेटेड थियोरी ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, विकास का एकीकृत सिद्धांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका है, ये अरविंद घोष का है। ठीक है, अरविंद घोष का ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, हमने ए को मैच किया फोर्थ से, ए को हमने मैच किया फोर्थ से, और हमने जो है डी को हमने मैच किया सेकंड से। तो फोर, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे जून 2012 में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। अंबेडकर दबे वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लास को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे। अंबेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। ही वाज इन एग्रीमेंट विद गांधी, वो गांधी से सहमत थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने अलग 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 समय पे अलग अलग सभाओं से अलग अलग मंचों से जो है दलित समुदाय के लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। यहाँ तक कि आप देखें यूजीसीनेट एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। उनका ये मानना था कि हिंदुओं, मतलब दलित जो समुदाय के जो लोग हैं उनको हिंदू ना समझा जाए बल्कि हिंदुओं से अलग एक समुदाय समझा जाए, और उनके लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए। और गांधी से वो सहमत नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी, आप देखें गांधी और अंबेडकर के बीच की जो डिबेट है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मालूम है, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जो है कई मुद्दों पर जो उनकी जो राय थी वो एक जैसी नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पंचायती राज व्यवस्था को ले लें, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज सिस्टम की अगर बात करें, तो पंचायती राज व्यवस्था के सेंटर में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो हम देखते हैं कि विलेज को, गांव को जो है लोकतंत्र की एक आधारभूत इकाई, एक फंडामेंटल यूनिट उसको एक्सेप्ट किया जाता है विलेज को। लेकिन बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि गांव जो है वो क्या है कि संकीर्णता के अड्डे हैं। गांव एक ऐसी जगह पे है जो जहाँ पे छोटी मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के, नैरो माइंडेड लोग रहते हैं, और वहाँ पर वो अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हैं, या फिर आप देखें जो पैट्रियार्की जिसकी वजह से जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ये इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है गाँव में। तो इस वजह से जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करते हैं, और इस मामले में वो गांधी से सहमत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन ये जो रीज़न है ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि वो गांधी से सहमत थे। अंबेडकर जो है गांधी से कई मुद्दों पर सहमत नहीं थे। इवन आप देखें 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, तब भी जो है इसके खिलाफ थे बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आमतौर पे जो सामान्य किताबें हैं जैसे कि बीएल फाड़िया ओपी गावा की किताबें हों उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा, जो संविधान सभा की जो डिबेट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, CAD, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, जो संविधान सभा की जो बहसें हो रही थी जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, और आर्टिकल 356 पे जब बहस हो रही थी, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था महावीर त्यागी। तो उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 356 है जिसके माध्यम से राज्यों में क्या किया जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आप देखें भारतीय संविधान के भाग 18 में, पार्ट 18 में आप देखें जो इमरजेंसी आपातकालीन संबंधी शक्तियां दी गई हैं, और आप देखें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इसमें व्यवस्था की गई है, आपातकालीन व्यवस्था की गई है कि सपोज कि देश के ऊपर में कोई कोई बाह आक्रमण होता है, या फिर जो है वित्तीय आपात आता है, या फिर जो है
एक राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाती है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और आर्टिकल 356 के को लेकर के जब डिबेट हो रही थी तो महावीर त्यागी ने कहा कि इसका जो इसको हम जो है एक सेफ्टी वॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वो बी आर अम्बेडकर का नहीं है बल्कि बी आर महावीर त्यागी का है, और बी आर अम्बेडकर इस स्टेटमेंट से, इस कथन से, इस मान्यता से काफ़ी हद तक सहमत थे। वो ये कह रहे थे कि संविधान सभा के अंदर जब आर्टिकल 356 पे बहस चल रही थी, उन्होंने कहा कि इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में इस आर्टिकल का जो है प्रयोग जो है गलत तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 356 का प्रयोग, क्योंकि इसको इमरजेंसी प्रोविजन में रखा गया है, आर्टिकल 356 आपातकालीन व्यवस्था है, मतलब इसको जब सामान्य परिस्थिति में तो लागू नहीं किया जा सकता है, ना सामान्य परिस्थिति में किसी राज्य के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। जब किसी राज्य के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो संवैधानिक मशीनरी है, व्यवस्था है, वो फेल हो जाएगी, तभी इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद में, खास तौर पे 1977 में जब आप देखते हैं मोरारजी देसाई की सरकार बनी, इसके बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में आप देखते हैं कि इस आर्टिकल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। नौ नौ राज्यों की जो सरकारें थी वो एक साथ जो उनको जो है वहाँ पे आपात का मतलब जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जो राज्य की सरकारें थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और आप देखते देखें इस आर्टिकल की बात करें कि जब भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य पर लगाया जाता है तो उस राज्य की जितनी भी विधायी जो शक्तियां हैं और या एग्जीक्यूटिव जो पावर है, कार्यकारी जो शक्तियां हैं, वो सेंटर के पास ले जाती हैं। और इससे क्या है कि इससे उस राज्य की जो के जो नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो जोखिम में पड़ जाती हैं। जैसे कि आप देखें पंजाब में काफ़ी बहुत लंबे समय तक जो है, सबसे पहले अगर अगर बात करें किसी स्टेट की जहाँ पे अगर आर्टिकल 356 को इम्पोज किया गया था तो वो पंजाब है। और आप देखें जम्मू कश्मीर पे भी अलग अलग समय पे, उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, जब 16 दिसंबर 6 दिसंबर को 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था, तब भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन को जो है इम्पोज किया गया था। लेकिन अगर आप बात करें आर्टिकल 356 की, तो सिर्फ आर्टिकल 356 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी बेसिस पे जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। एक आर्टिकल और है, जरा उसको समझिए, और इसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था, आर्टिकल 365। यहाँ पे 356 है और यहाँ पे 365 है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ ऑल डायरेक्शन गिवेन बाई यूनियन ऑन द मैटर इट इज इम्पावर्ड टू। अगर किसी राज्य को केंद्र सरकार, जो यूनियन गवर्नमेंट है, अगर कोई आज जो यूनियन है, जो केंद्र सरकार है, कोई आदेश देती है और उस आदेश के साथ स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करती है, फेल हो जाती है, उसके आदेशों को नहीं मानती है, तो उस कंडीशन में भी आर्टिकल 365 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट रूल को जो है इम्पोज किया जा सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इवन आप देखें यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली किसका है, महावीर त्यागी का, और बी आर अम्बेडकर इस बात से सहमत है। तो लेकिन जो ऑप्शन है इसमें आप देखें, ऑप्शन बी की अगर बात करें, यहाँ पे महावीर त्यागी का नाम नहीं दिया गया है, तो महावीर त्यागी का नाम मैंने खुद से ऐड किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे सटीक आंसर है, उसको चुनना होता है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2014 में पूछा गया है, दिसंबर 2014 के पेपर थर्ड में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये एक तरह से एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस इंडिया विश टू यूनाइट एंड डेवलप ए कॉमन कल्चर, इट इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू ओन अप हिंदी एज देयर लैंग्वेज। यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं, तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। मतलब यहाँ पे बेसिकली बी आर अम्बेडकर हिंदी भाषा को एडॉप्ट करने की बात कह रहे हैं, कैसे, अपनी भाषा के रूप में, एज देयर लैंग्वेज। यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर भारत के लोग एक समान संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं
कॉमन कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदी को अपनी भाषा के तौर पे अपनाएं। देखिए, नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज एक अलग बात है, और अपनी लैंग्वेज का मतलब क्या कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी भाषा कहते हैं। कोई भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वो भारतीय कहलाने के लायक, कहलाने का अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? और फर्दर अब बी आर अम्बेडकर कहते हैं, एनी इंडियन हु डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल हैज़ नो राइट टू बी इंडियन। मतलब कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो उससे अपने आप को भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति हिंदी को अपनी भाषा के तौर पर स्वीकार ना करता हो। और आप देखें साउथ में हिंदी को लेकर के कितना मतलब डिबेट होती है, वहाँ पे डिस्कशन अक्सर होते हैं, प्रोटेस्ट भी वहाँ पे हिंदी के खिलाफ हुए हैं। तो इसी वजह से हिंदी को कभी भी जो है राष्ट्रभाषा अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है, आप देखें, जो पूरे भारत को एक जो है एकता के एक धागे में पिरोती है। एकता का इसके माध्यम से संचार होता है और इसके जरिए से एक कॉमन कल्चर विकसित होती है, जहाँ पे हम अपने आप को एक एक भारतीय के रूप में, ना हिंदू के, ना मुस्लिम के, ना बौद्ध, ना ईसाई के, ना तमिल के, ना मद्रासी के, ना ना बंगाली के तौर पे, हम अपने आप को एक भारतीय के तौर पे जो है पहचानते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का है। और आप देखें ये जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया जून में, यहाँ पे ब्लाइंड फेथ के बारे में बात हो रही है, अंधभक्ति जिसको आप कह सकते हैं। ब्लाइंड फेथ मतलब क्या कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का, वो क्या कह रहे हैं, भक्ति इन रिलीजन मे बी ए रोड टू सॉल्वेशन ऑफ सोल। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही का के लिए सुनिश्चित मार्ग है। इस कोट के माध्यम से बी आर अम्बेडकर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म को अपनाते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपकी आत्मा की मुक्ति का एक माध्यम हो सकता है। लेकिन आप राजनीति में अगर भक्ति करते हैं या किसी नायक की पूजा करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, तो इस बात की ये संभावना है कि उससे क्या होगा कि डिग्रेडेशन होगा और अंततः जो है तानाशाही आ जाएगी। मतलब क्या कि भक्ति करने का, जब आप किसी नायक की पूजा करेंगे, किसी व्यक्ति की पूजा करेंगे, किसी राजनेता की पूजा करेंगे, तो अंततः उस देश में क्या होगा कि जो है तानाशाही आ जाएगी। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप किसी महान नेता को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, उसकी कही हुई बातों को आंख बंद करके मानेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। और जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जैसे कि आप देखें, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, या फिर सूचना आयोग की बात कर लें, ये क्या अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। इसको एज ए चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना, शक्ति संतुलन के लिए बनाया गया है। और बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आप किसी भी नेता की बातों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो वो क्या करेगा कि आपकी उससे स्वतंत्रता जो है संकुचित हो जाएगी और जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनका पतन हो जाएगा। जैसे कि किसी नेता ने अच्छे काम किए तो ठीक है, आपके अंदर जो है आप कृतज्ञ हैं, आप उसको आप थैंकफुल हैं, उसके लिए आप उसकी सराहना कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेटिट्यूड की बात करें, कृतज्ञता की बात करें, एक व्यक्ति जो है कृतज्ञ हो सकता है, एक और इसे सपोज कि एक औरत है और उसके साथ किसी ने भलाई की तो उसके लिए वो एहसानमंद हो सकती है, थैंकफुल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस एहसान के बदले में वो अपनी चेस्टिटी को, अपनी पवित्रता को या अपनी मॉडिस्टी को कम्प्रोमाइज़ कर ले, या जो है अपनी इज्जत के साथ जो है वो कम्प्रोमाइज़ कर ले। इसी तरह एक राष्ट्र की बात करें, अगर कोई लीडर है और देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए वो अच्छे काम कर रहा है तो ठीक है, वो हम उसके लिए एहसानमंद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो राष्ट्र है वो अपनी जो स्वतंत्रता को जो है उसके लिए कम्प्रोमाइज़ कर ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रशिया ने हमारी हेल्प की जब 1971 में जो है 1971 में जब जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है लड़ाई हुई, तो रशिया ने हमारी हमारी हेल्प की 1971
1971 में, और उसकी वजह से जो है इंडिया उस युद्ध को जीत गया पाकिस्तान से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो हमारी नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, जो है गुट निरपेक्षता की जो हमारी जो नीति थी उसको हम त्याग दें। मतलब कोई भी नेशन अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी चयन करने की स्वतंत्रता को, अपनी सॉवरेंटी को जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और ख़ासतौर पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो अन्य देशों की तुलना में भारत में जो है जो वीर पूजा है, बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में हम देखते हैं कि व्यक्ति की जो पूजा है, जो हीरो वर्शिप है, वो कहीं ज़्यादा है। और हीरो वर्शिप का नतीजा ये होता है कि गिरावट आती है और अंततः देश में तानाशाही आ जाती है, डिक्टेटरशिप जो है उस देश में आ जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, इसे जनवरी 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कहाँ पूछा जा रहा है, आदि अंबेडकर समाज मूवमेंट, आदि अंबेडकर समाज मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये पंजाब से संबंधित है। आइए समझते हैं कि आदि अंबेडकर मूवमेंट क्या चीज़ था। तो हुआ कुछ ऐसा कि पंजाब के जो दलित समुदाय के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो पंजाब में जो अनटचेबल जो लोग थे, दलित समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और उन्होंने अपना खुद का एक सेपरेट धर्म को उसको उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। और ये कौन लोग थे, ठीक है, ये चमार और चूहार समुदाय के जो लोग थे, इन्होंने आदि धर्म को बनाया और वो अपने आप को हिंदू धर्म से एक अलग अलग मानते थे, वो अपने आप को हिंदू धर्म का अंग नहीं मानते थे। और एक चीज़ ये भी कि हम देखते हैं कि 1940 के दशक में, 1940s में, जो बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बनाया था, तो उसके ये मेंबर बने, अपने आप को उन्होंने पॉलिटिकली अलाइन कर लिया किससे, बी आर अम्बेडकर के ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अगेन आप देखें यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ से फिर भी यहाँ फिर एक स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में, द लैम्स आर सॉर्न ऑफ द ऊल एंड दे आर फीलिंग इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में किसने कहा कि मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। देखिए बी आर, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको आप देखें, मैं थोड़ा इस पर मैं कुछ और चीज़ें एडिशनल चीज़ें बताऊंगा आपको, तब आप इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे आखिर बी आर अम्बेडकर क्यों कह रहे हैं। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, इसको 1953 में जस्टिस फजल अली के चेयरमैनशिप में बनाया गया। और इसका काम ये था कि इस बात की समीक्षा करना कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। और इस कमीशन ने जो है काफ़ी हद तक जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। और इसी कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट ने बनाया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज यूनियन टेरिटरीज जो है केंद्र शासित प्रदेश बने। क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि दलितों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि दलितों को जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिले। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि उनको पृथक निर्वाचक मंडल मिले। और हम देखते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है उसको ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया, इसके अलावा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने बी आर अम्बेडकर की जो मांग थी जो है दलितों समुदाय के लिए कि उनको पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया था। और आप देखें, हालांकि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए उनका फिर भी आकार काफ़ी बड़ा था। जो 16 जो 14 स्टेट बनाए गए, 14 स्टेट और 16 यूटीज,
वो बड़े बड़े राज्य बनाए गए, जैसे कि आप बड़े बड़े राज्य थे, मतलब क्या कि यहाँ पे एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं। और क्या है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं, मतलब एक विशेष भाषा को बोलने वाले अधिक संख्या में लोग हैं। आप देखिए बाद में, आप देखिए 1960 में जो है, जब विभाजन हुआ भाषा के ही आधार पर, तो महाराष्ट्र और गुजरात को जो है अलग राष्ट्र बनाया गया। बी आर अम्बेडकर ये चाहते थे कि राज्यों का जो आकार हो वो छोटा हो, राज्यों का जो आकार हो वो मतलब वो स्मॉल स्टेट के फेवर में थे। और साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि एक राज्य की एक भाषा हो, मतलब एक राज्य में जो बोलने वाले अधिकतर एक ही भाषा के हों। इससे क्या होगा कि जब राज्य छोटे होंगे और उसमें बोलने वाले जो लोग हैं अधिकांशतः एक भाषा के लोग होंगे, तो इससे ये होगा कि वहाँ पर सांस्कृतिक जो समस्या है, जो कल्चरल प्रॉब्लम है, जो इथनिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और दूसरा, सरकार जो कानून बनाएगी लोगों की कल्याण के लिए, जो पॉलिसियाँ बनाएंगी वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट जो है करना पॉसिबल होगा, उसको और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि राज्य का जो आकार है वो छोटा होगा। लेकिन इस तरह की मांग, पैरामेडिकल की मांग को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि द लैम्स और सॉर्न ऑफ द ऊल, मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं। मतलब वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि फर्दर जो है, जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, उनको मतलब विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें, एक जो मेमना है या बकरी का एक बच्चा है, उसके ऊन कतर लिए जाएं और उसको ठंड के माहौल में रख दिया जाए, मतलब क्या कि यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टेट बनाए गए हैं उसमें क्या कि दलित जो है अल्पसंख्यक हैं और उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो ये संभव नहीं है कि वो फिर से इलेक्शन में जीत जाएंगे और अपनी मांगों को रख सकेंगे। और फर्दर क्या कि जो उनकी मांगे हैं उनको अनदेखा किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है नंबर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब जो जो व्यक्ति, जो समुदाय बहुमत में है, आमतौर पे बहुमत ही अल्पमत पर, जो मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी पे जो है शासन करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बी आर अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिसंबर 2018 की बात करें, 2018 एक वैसा ऐसा समय है जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस को चेंज किया गया और इसमें कुछ नए थिंकर्स को इंक्लूड किया गया। और आप देखते हैं फिर, और उसके बाद से फिर जो है नेट के पेपर की अगर हम बात करें, जहाँ तीन पेपर होते थे, मतलब पॉल साइंस के दो पेपर होते थे, सेकेंड एंड थर्ड, अब एक ही पेपर होने लगा। और आप 2018 के बाद से एक ट्रेंड देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बी आर अम्बेडकर की किताबों से पूछे गए हैं, कि किस पर्टिकुलर बुक को बी आर अम्बेडकर ने कब लिखा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार किताबों के नाम दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर की, उसको आपको कालक्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना है। और तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने शुरू में बताया कि 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बी आर अम्बेडकर ने लिखा। मैंने आप समय बचाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए जो है ये किताबें की, जो इन किताबों की ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो मैंने मेंशन कर दी। जैसे कि आप देखें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है 1936 में लिखा गया है। और उसके अलावा देखिए, बुद्ध एंड हिज धर्म, मैंने आपको बताया कि बी आर अम्बेडकर ने 1956 में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिखा। और उनकी मृत्यु के पश्चात, पोस्टमॉर्टम हम कह सकते हैं कि 1957 में जो है ये बुक है, बुद्ध एंड हिज धर्म, इस बुक, ये बुक जो है पब्लिश हुई थी। और द अनटचेबल की अगर बात करें, ये जो बुक है 1948 में पब्लिश हुई थी। और ये जो बुक है हुवेर सूद्रास, ये 1946 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले 1936 वाली, मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने लिखा, तो सबसे पहले ऑप्शन जो थर्ड है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे आप देखें, ए इस विकल्प में जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद से जो क्वेश्चन है उसमें ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किताबों से पूछे गए हैं। जैसे कि आप अगेन आप देखें, बी आर अम्बेडकर हैं, उनकी एक किताब को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, गांधी एंड गांधीज्म,
ये भी 1970 में पब्लिश हुई थी और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु के पश्चात पब्लिश हुई थी। जैसे कि आपने आपने देखा भी कि बुद्ध बुद्ध एंड हिज धम्म, ये तो धर्मा लिखा हुआ लेकिन धम्म है वो। हाँ, तो ये बुक जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो है पब्लिश हुई। आपको मालूम है कि बी आर अम्बेडकर, आपको मालूम है कि बी आर अम्बेडकर की जो डेथ है वो 1956 में हुई थी। और बात करें अगर हम गांधी, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म की बात करें, तो इस बुक को किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। और सावित्री नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? अरविंदो ने लिखा है। गीतांजलि आप जानते हैं, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिला था, इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमने ए को जो है मैच किया है थर्ड से और बी को सेकंड से। ए को हमने मैच किया थर्ड से और बी को हमने मैच किया फोर्थ से। ए को थर्ड से एंड बी को फोर्थ से, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2018 में पूछा गया है। और अगेन आप देखें इस क्वेश्चन में जो है पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से पूछे गए हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया क्लास के कि गांधी की कुछ चीज़ों से, गांधी की मतलब काम करने का जो तरीका था उससे बी आर अम्बेडकर सहमत नहीं थे। जैसे कि गांधी, आप देखें शुरुआती दौर में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था, पंचायती राज से संबंधित जो आर्टिकल है, पंचायती राज को कहाँ रखा गया था? आर्टिकल 14 में रखा गया था, जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है, डीपीएसपी, उसमें रखा गया था। ठीक है, तो क्या लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली अपोज द आई टू द आइडिया ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी कौन था? तो बी आर अम्बेडकर थे। क्यों? वो बी आर अम्बेडकर विलेज को, गांव को प्रशासन की एक इकाई के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि गाँव एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर संकीर्ण, उसको कहते हैं कि गाँव संकीर्णता के अड्डे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो संकीर्ण मानसिकता के, नैरो माइंडेड हैं। और वो वहाँ पे आप देखें, चाहे वो पैट्रियार्की की बेसिस पे महिलाओं के साथ भेद हो, या फिर जाति के आधार पर जो है जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनसे भेदभाव हो, तो इस वजह से चूंकि मानते थे कि ये जो एक ऐसी गांव ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं। आप देखें, और सिटी की अगर बात करें, जैसे सिटी की बात करते हैं, आप देखें शहरों की तुलना में गाँव में अधिक भेदभाव होता है। तो इस वजह से जो है बी आर अम्बेडकर जो है पंचायती राज व्यवस्था के वो अगेंस्ट हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर बात की जा रही है किताबों से रिलेटेड। जैसे कि आप देखें ये जो बुक है थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, मैंने आपको अभी भी बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की जो डिमांड थी उसको बी आर अम्बेडकर ने जो है एक्सेप्ट किया था, उसका समर्थन किया था। और वो कहते थे कि राज्यों का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और एक राज्य में मतलब वन स्टेट वन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक तो भाषाओं के आधार पर होना चाहिए, वन स्टेट और वन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, जहाँ पर एक ही भाषा के बोलने वाले जो लोग हों एक राज्य के अंदर हों। लेकिन इस तरह से हुआ नहीं, हम देखें बड़े बड़े राज्य बनाए गए, जैसे कि महाराष्ट्र की अब बात कर लें, बाद में फिर जो है उससे जो है जो बम्बई प्रांत था उससे देखिए महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बने, और उसके बाद देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करें। तो बी आर अम्बेडकर की इस मांग को जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर आप देखें यहाँ पे फतवा जहाँदारी जो बुक है इसको किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा जी। और इंडिपेंडेंट इंडिया नाम की जो बुक है इसको चार्ल्स बेल्टहाइम ने लिखा है, और ये इस बुक को इन्होंने फ्रेंच भाषा में 1962 में लिखा था। बाद में इस बुक का जो इंग्लिश वर्जन है वो 1968 में आया था। इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो बुक थी इसमें बेसिकली इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात की गई है कि आज़ादी के बाद जो है भारत का विकास कैसे हुआ। आप देखिए ये जो पीरियड है
1947 से लेकर के आप देखिए जो बुक है 1962 में प्रोड्यूस हुई थी। तो इस पीरियड में आप देखें इस काल इस ये जो पीरियड है ये नेहरूवियन पीरियड है। इस पीरियड में हम देखते हैं कि नेहरू ने जो है जो 5 ईयर प्लान है पंचवर्षीय योजनाओं का इस्तेमाल करके जो है देश के विकास को आगे बढ़ाया था। तो इन सारे विकास की जो प्रक्रिया है उसका मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव से कैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से जो है चार्ल्स बेटेलहाइम जो है इस बुक को लिखते हैं और भारत के विकास की वो समीक्षा करते हैं। और फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की जो बुक है इसको किसने लिखा है, एम एन रॉय ने लिखा है। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे हमने जो है फतवाए जहाँदारी को मैच किया किससे, एक और थर्ड से हमने मैच किया और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को हमने मैच किया किससे, एम एन रॉय से, डी का सेकंड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को रिसेंट एग्जामिनेशन में जून 2012 में 21 में पूछा गया है। देखिए ये वही पीरियड है जब दो दो पेपर मर्ज कर दिए गए थे दिसंबर और जून का, कोविड की वजह से जो है पेपर मर्ज कर दिए गए थे। और अगेन आप देखें यहाँ पे किताबों के नाम दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर की और आपको इसको मैच करना है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, आप कह लें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आरोही क्रम में आपको इसको मैच करना है। तो आप देखें ये प्रॉब्लम ऑफ रूपी की अगर हम बात करें, ये बी आर अम्बेडकर की डॉक्टोरल थीसिस है, इसी विषय पर उन्होंने अपनी पीएचडी कर रखी थी। और इसके अलावा आप देखें गांधी एंड गांधीज्म, मैंने अभी आपको बताया कि 1970 में ये पब्लिश हुई थी, गांधी मतलब बी आर अम्बेडकर के मरने के बाद उनके मरणोपरांत। और बुद्धा एंड हिज धर्म धम्मा की बात करें ये भी उनकी मृत्यु के पश्चात 1957 में पब्लिश हुई थी। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है मृत्यु उपरांत मरने के बाद। और द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वोमेन ये जो बुक पब्लिश हुई थी 1951 में। तो आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, देखिए बी क्यों है क्योंकि सबसे पहले बात की जा रही है किसकी, सबसे पहले जो पब्लिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो बी सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2021 में पूछा गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी एनालिटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है और ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। और उसके बाद आपको ये भी समझना है कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। जैसे कि आप देखें जो स्टेटमेंट है सरसन जो अभिकथन है, बी आर अम्बेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर। बी आर अम्बेडकर जो है जो भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था है उसके आलोचक थे, क्रिटिकल थे। फिर क्या है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाइदर हैव लेजिस्लेचर पावर नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में ना तो विधायी शक्तियाँ हैं और ना ही कार्यकारी। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की जा रही है। संविधान सभा के अंदर जब डिबेट्स हो रही थी, जब डिबेट हो रही थी संविधान सभा के अंदर भारत का संविधान बनाने के लिए, तो अंबेडकर ने भी एक प्रपोजल रखा। अंबेडकर ने यह तर्क रखा कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसका जो मॉडल है वो अमेरिका की बेसिस पे हो। कैसा हो, अमेरिका की बेसिस पे हो। अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे कि अमेरिका का जो अपर चैम्बर है इसको हम सीनेट बोलते हैं, सीनेट। तो यहाँ पे 50 राज्य हैं और हर एक राज्य से जो है कितने मेंबर जाते हैं, दो। तो 15 × 2 करेंगे तो मतलब 100। वहां के सीनेट में कितने मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स होते हैं। मतलब क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट की जो बार्गेनिंग पावर है वो एक जैसी है। मतलब राज्य के सपोज कि किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है तो हर एक राज्य की जो वैल्यू है वो एक समान है। क्यों, क्योंकि हर एक राज्य से दो दो रिप्रेजेंटेटिव, दो दो प्रतिनिधियों को भेजा गया है। लेकिन हमने देखा कि अगर आप देखें इंडियन फेडरल सिस्टम को देखें तो इंडिया में क्या है कि हमारा जो मॉडल है फेडरलिज्म का वो कनाडा से मैच करता है। यहाँ पे हमने क्या किया है,
कि सेंटर को स्ट्रांग कर रखा है, और सेकंड जो चैम्बर है जो राज्यसभा है हमारी, राज्यसभा में सभी राज्यों को एक जैसी सीटें नहीं, एक जैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। जैसे कि आप देखें, चाहे चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, दोनों भी चैम्बर्स में, दोनों भी सदनों में हम देखते हैं कि ऐसे राज्य जिनका आकार बड़ा है तो उनको सीटें भी उसी हिसाब से देंगे। जैसे कि आप यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो ये जो राज्य हैं ये आकार में बड़े हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। तो इसी वजह से जो है बी आर अम्बेडकर जो है बात कर रहे थे भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में। और बी आर अदगी भारतीय संघीय जो व्यवस्था है उसके बारे में मॉरिस जोन्स क्या लिखते हैं कि अपने आप में क्या, कि एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है मॉरिस जोन्स कहते हैं। और जहाँ पे फिर ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कैसा है, कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम है। तो ये कोऑपरेटिव कब तक रहा, जब तक कि केंद्र और राज्य में एक तरह की सरकारें थी। बाद में फिर क्या कि आप देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद थे वो बढ़ते गए। और आप देखें कि इंदिरा गांधी के टाइम में और मोरारजी देसाई के टाइम में बहुत से राज्यों पर जो है राष्ट्रपति शासन, जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें थीं वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर दिया गया था। तो बी आर अम्बेडकर को इस बात की आशंका थी, इसी वजह से जो है वो अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट करने के फेवर में थे। लेकिन हालांकि ये जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। और बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, तो क्या कि वो एक ड्राफ्ट बना रहे हैं और सदन के सामने रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो बातें कर दे रहे हैं वो संविधान में आ जाएंगी। ड्राफ्ट बनाया गया और ड्राफ्ट पे जो है संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो है उस पर डिबेट होगी, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद जो है अगर किसी विषय पे आम सहमति बनती है तो उसको तभी किसी उस टॉपिक को जो है संविधान के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तभी उस ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं उसको एक्ट में बदला जाएगा और संविधान में शामिल किया जाएगा, नहीं तो उस बातों उन बातों को नहीं किया जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर ज़्यादा विवादित विषय है तो फिर उस पर क्या होगा कि उस पर जो है वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ही जो डिसाइड किया जा सकेगा, वोटिंग के बाद ही डिसाइड किया जा सकेगा कि वो विषय संविधान के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। और संविधान सभा की डिबेट की बात करें, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पे बिना बहस के जो है एक आम सहमति बनी। जैसे कि हम बात करें नागरिकों को जो 21 वर्ष की आयु की जो थे उनको जो है मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें आप, सार्वभौम्य वयस्क मताधिकार की बात करें, तो वोटिंग के, भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार की अगर बात करें तो संविधान सभा के जो लोग थे वो इस बात पर सहमत थे कि सबको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इनकी आयु 21 साल की है, चाहे वो मुस्लिम, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार। तो बी आर अम्बेडकर जो है उस फेडरल स्ट्रक्चर से जो है खुश नहीं थे, उसको लेकर के उसकी जो है उन्होंने आलोचना की थी। दूसरा बात करें स्थानीय शासन की बात करें, बेसिकली ये जो बात है यहाँ पे स्थानीय शासन के बारे में बात ना होकर के बात हो रही है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में बात हो रही है। और स्टेट गवर्नमेंट देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो ये तो स्टेट जो जो है ये जो राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट की बात करें, इस क्वेश्चन का बेसिकली जो इंटेंशन है वो इस बात किसमें है, स्टेट गवर्नमेंट की बात को लेकर के। बेसिकली चूंकि फेडरल सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का मतलब हम पंचायती राज से ना लेकर के जो है जो राज्यों की शक्तियाँ हैं, जो राज्यों की विधायी और लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात की जा रही है उससे है। मतलब यहाँ पे राज्य सरकारों के बारे में बात की जा रही है, उनकी शक्तियों के बारे में, ना कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और आप देखें चाहे वो इमरजेंसी प्रोविजन हो, इसके अलावा संविधान में कुछ और भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके माध्यम से एक राज्य की शक्तियों को सेंटर कंट्रोल कर सकता है, सीमित कर सकता है। इवन जो स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाए गए हैं उस पर भी जो है संसद, जो जो भारत की पार्लियामेंट है उस पर कानून बना सकती है। तो ये जो इंडियन फेडरल सिस्टम है तो एक तरफ तो स्टेट हैं, यहाँ पे क्या है कि स्टेट्स हैं, और एक तरफ क्या कि सेंटर है। तो ये जो इंडियन फेडरल सिस्टम है ये सेंटर की तरफ झुका हुआ है। तो इस वजह से बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके पास ना तो विधायी शक्तियां होती हैं ना तो कार्यकारी। क्यों? क्योंकि सरकार जब चाहे जो है उनकी शक्तियों को सीमित कर सकती है और कानून बना करके है उनकी शक्तियों को सीमित कर सकती है। आप देखें कि संविधान में संशोधन किया गया और पंचायत जो है
आप देखें कि जो राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, उसमें से कुछ विषयों को इधर से उधर किया गया। इसको अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था के वो आलोचक हैं। वो कहते हैं कि सेंटर ये जो है सही मायने में जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो सही मायने में फेडरल नहीं है। तो आप देखें इंडिया में जो है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे। इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट वन में इस क्वेश्चन पूछा गया है। शिफ्ट वन में देखें, बी आर अम्बेडकर पेपर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू, जो बी आर अम्बेडकर का जो पेपर है स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, इसके बारे ये इसका संबंध किस किस बात से है? इंडियन एग्रेरियन सिस्टम से है, जो भारतीय कृषि व्यवस्था है उससे है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक व्यवस्था से है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम शिक्षा व्यवस्था से, या इंडियन कल्चर सिस्टम से। तो ये जो आर्टिकल था बी आर अम्बेडकर का था, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया की हम बात करें, ये आर्टिकल 1918 में पब्लिश हुआ था। पहले आप ये समझिए कि इस आर्टिकल ये पब्लिश था 1918 में। और स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड द रेमेडीज में बी आर अम्बेडकर चकबंदी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी जोत है, जो किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, वो तो चकबंदी के बारे में, जो जैसे कि एक किसान उसके पास खेत है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। बी आर अम्बेडकर एक तो वो सहकारी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के फेवर में थे, और दूसरी बात ये उनका ये कहना था कि अगर जब तक ये छोटे ये जो किसानों के जो खेत हैं, जो अलग अलग जगहों पे जो बिखरे हुए हैं, छोटी छोटी जोत है अलग अलग स्थानों पे, अगर चकबंदी के माध्यम से इनको कंसोलिडेट नहीं किया जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो उस वक्त तक किसानों की भलाई के लिए या कृषि सुधार के लिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए, कृषि सुधार के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, वो इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे खेती को सही तरीके से करने में जो है परेशानी होगी। सपोज कि एक किसान है, उसकी चार, इससे सपोज कि एक राज्य के अंदर एक किसान रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट एक जिले के अंदर रहता है, उसके पास एक एक खेत यहाँ पे हो, एक खेत यहाँ पे हो, चार अलग अलग दिशाओं में उसके पास खेत हो, तो इससे फिर क्या होगा? कि या एक गाँव की एग्जाम्पल ले लें हम, तो गाँव के चार अलग अलग कोने पर एक किसान के पास खेत होगा, उससे क्या है कि कृषि कार्य को ठीक तरीके से नहीं करेगा। और इसी को कंसोलिडेट कर दिया जाएगा अगर चकबंदी के माध्यम से, तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से जो है खेती को कर सकेगा। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है बी आर अम्बेडकर का, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ऐसा नहीं है कि बी आर अम्बेडकर ने सिर्फ खेती जो है दलितों के उत्थान के लिए बात की, उन्होंने किसानों के लिए भी बात की कि उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। और अब आप देखें फिर आज़ादी के बाद में जो है बड़े पैमाने पर चकबंदी व्यवस्था को जो है अपनाया गया। अगेन हम देखें यहाँ पे यूजीसी एग्जामिनेशन में 2022 में शिफ्ट टू में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन यहाँ पे आपको दो किताबों दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक में किताबों के नाम है, दूसरे में ऑथर के नाम है। इसको आपको मैच करना है। जैसे कि हिंदुत्व की बात करें आप, तो हिंदुत्व नाम की जो बुक है इसको बी आर सावरकर ने इसको जो है सावरकर ने लिखा है, और ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म को जो लिखा है उसको लिखा है लोहिया ने लिखा है, और जेनेसिस सॉरी कास्ट इन इंडिया देयर जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, कि भारत के अंदर कैसे जो है कास्ट इन इंडिया कि भारत के अंदर कैसे जो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ, इस बारे में बी आर अम्बेडकर लिखते हैं। तो हमने डी को मैच कर दिया किससे? डी को भी मैच कर दिया थर्ड से, हमने डी को मैच कर दिया थर्ड से, सी को हमने मैच कर दिया फोर्थ से, ठीक है ना, और हिंदुत्व हमने ए को मैच कर दिया सेकंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे आप देखें बी आर अम्बेडकर की किताबों से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे इन सारे क्वेश्चन में क्या कि बी आर अम्बेडकर की किताबों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हर बार जो है किताब का नाम चेंज कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि
अंबेडकर ने जितनी भी किताबें लिखी हैं उन सभी किताबों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। और ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि किसी पर्टिकुलर बुक में वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर बात करें, ये बुक 1936 में लिखी गई थी, और बी आर अम्बेडकर इसमें ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक ही तरीका इंटरकास्ट मैरिज है। और बात करें इसकी, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस बुक को यहाँ पे पूछा गया, अगर आप बात करें कास्ट इन इंडिया की, अगर हम बात करें इस बुक को नेट एग्जाम में 2022 में पूछा गया, और अगेन हम देखते हैं कि शिफ्ट टू का जो पेपर है 2022 के अंदर ही, उसमें भी इस किताब के बारे में पूछा गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन को पूछ लिया गया कि ये बुक कब पब्लिश हुई, और कई किताब, इसमें चार किताबों के नाम दिए गए, इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को 1936 में, कास्ट इन इंडिया 1917 में, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो बी आर अम्बेडकर की डॉक्टरल थीसिस थी उसको 1923 में, और थॉट ऑन पाकिस्तान को 1941 में बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। तो सबसे पहले कौन सी बुक आ रही है, सबसे पहले बुक आ रही है कास्ट इन इंडिया, तो सबसे पहले ए हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ए एंड सी, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगेन हम बात करें मार्च 2023 में शिफ्ट टू में का पेपर है, और इसमें आप देखें अगेन एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जहाँ पे किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना। हिंद स्वराज को गांधी ने लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने, गीता रहस्य को किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने, और हुवर शूद्रास को किसने लिखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन की बात करें हम, तो हमने सीधा सा हमने ए को मैच किया फोर्थ से, हिंद स्वराज को हमने मैच किया, ए को फोर्थ से हमने मैच कर दिया, और डी को मैच कर दिया हमने पहले से बी आर अम्बेडकर से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा समझें, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया फ्रेंचाइज कमिटी। बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य थे, इसे भारतीय वयस्क मताधिकार समिति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अशोक मेहता कमेटी की अगर हम बात करें, ये भी पंचायती राज व्यवस्था की कमेटी है, बलवंत राय मेहता की कमेटी, ये भी पंचायती है, तो ये तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे साउथ बोरो कमेटी और लोथियन कमेटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, लोथियन कमेटी के बी आर अम्बेडकर मेंबर थे, ठीक है। और इस समिति को जो है, इस समिति के जो चेयरमैन थे उनका नाम था लोथियन नाम था। थोड़ा सा आइए समझते कि लोथियन कमेटी बेसिकली है क्या चीज़। 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसके बाद में फिर क्या देखते हैं कि वहाँ पर दलितों को अधिकार देने के लिए, जैसे कि आप देखें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी भी उपस्थित थे और अंबेडकर भी उपस्थित थे, और बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अकेली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी सभी वर्गों के हितों को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो और भी किसी समुदाय के जो लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो वहाँ पे कोई आम सहमति नहीं बन पाई, और इसके बाद में फिर क्या है कि 1931 में लोथियन कमेटी को बनाया गया। लोथियन कमेटी की अगर बात करें तो मार्क्यूस लोथियन जो है इस समिति के जो सदस्य थे, और इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम पड़ा हुआ है, लोथियन कमेटी। और इस कमेटी में टोटल 18 मेंबर्स थे, और बी आर अम्बेडकर भी जो है इस कमेटी के मेंबर थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस समिति का ये है कि ये जो समिति है इसी समिति के अनुशंसा पे जो कम्युनल अवार्ड था, इसको अभी हमने क्या क्लास के शुरू में, इस सेशन के शुरू में, जो सांप्रदायिक पंचायत था, सांप्रदायिक इसको सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं, जहाँ पे दलित समुदाय के लोगों को अलग से पृथक निर्वाचक मंडल देने की व्यवस्था की गई थी, इसी कमेटी की बेसिस पे, इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम देखते हैं कि रमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड की जो है घोषणा की थी, उन्होंने अनाउंस किया था।
किसने किया था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने। और देखिए जो साउथ बोरो कमेटी है, इसको आप देखें साउथ बोरो कमेटी। तो ये साउथ बोरो कमेटी जो है 1918 और 1919 के बीच में, 1918 और 1919 के बीच में ये कमेटी इंडिया में थी। और इस कमेटी के समक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है इस समिति के सामने प्रस्तुत होते हैं और वो दलितों के लिए मांग करते हैं कि दलितों को और इसके अलावा जो अन्य जो समुदाय हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सिर्फ वो दलितों की बात नहीं करें, जो अन्य जो 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 वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वो मांग करते हैं। और हम जानते हैं कि साउथ बोरो कमेटी की अनुशंसा पे, इसी कमेटी की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित हुआ था। जब आप भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे कि इंडिया का कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अंग्रेजों ने भारत में ऐसे ही, देखिए जो भारत का संविधान है वो ऐसे नहीं बना। आप देखें रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम से, या फिर आप देखें जब 1857 में क्रांति हुई थी, और फिर 1858 में जो है आप देखते हैं कि ब्रिटेन की जो सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो गया था इंडिया के ऊपर, और उन्होंने धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे जो है रिलैक्सेशन दी। तो बी आर अम्बेडकर जो है इस कमेटी के मेंबर थे। साउथ पूर्व कमेटी के सामने तो बस प्रस्तुत हुए और उन्होंने बस मांग रखी। तो अगर कंक्लूजन हम देखें तो साउथ ब्यूरो कमेटी की डिमांड पे जो है, मतलब उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और लोथिन कमेटी के अनुशंसा पे, उसके रिकमेंडेशन पे जो सांप्रदायिक पंचायत है, कम्युनल अवार्ड है, वो आया। सॉरी अगेन यहाँ पे हम देखें जून 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग या अमंग दिस सेड कंसर्निंग कास्ट इन इंडिया, एवरी सोसाइटी गेट्स इनकम्बर्ड व्हाट इज ट्रिवियल विथ डेड वुड फ्रॉम द पास्ट एंड विथ व्हाट इज पॉजिटिवली परवर्स। एक्चुअली देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन डीवी का है, और जॉन डीवी कौन है? जॉन डीवी अंबेडकर के इंटेलेक्चुअल मेंटर है। उनके कह सकते कि बौद्धिक गुरु हैं, जैसे कि आप जानते हैं गोखले के बारे में जानते हैं, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गांधी के मेंटर हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो जॉन डेवी हैं वो बी आर अम्बेडकर के गुरु हैं, उनके मेंटर हैं, उनके गुरु हैं ये अम्बेडकर के। और उनके एक स्टेटमेंट को डायरेक्टली बी आर अम्बेडकर कोट करते हैं, लेट मी रिमूव इट, बस इसको हमको साफ करें ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं। 1936 में, 1936 में अंबेडकर ने जो बुक लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी बुक में वो जॉन डीवी के स्टेटमेंट को डायरेक्टली कोट करते हैं, मतलब जो बातें जॉन डीवी ने कही है उसी बात को वो डायरेक्टली कहते हैं, कोट करते हैं। जिसमें जॉन डीवी ने भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा कि प्रत्येक समाज में विगत के, मतलब अतीत के कुछ अनुपयोगी था, तुच्छ और अनुपयोगी, जो कि निश्चित रूप से तर्क के विरुद्ध है, के बोझ को ढोना पड़ता है। मतलब अतीत से हम कुछ चीज़ें ऐसी अपने अंदर उठा लेते हैं, या हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हो जाती हैं जो चीज़ें सही मायने में क्या हैं, अच्छी नहीं हैं हमारे देश के, समाज के कल्याण के लिए, बेहतर नहीं है। जैसे कि आप देखें अतीत की बुराइयाँ जो आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है आज भी क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, वो लाल फीताशाही में, नौकरशाही में जो है व्यस्त रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार की जितनी भी विकास परियोजनाएं आती हैं उसमें देखिए करप्शन जो है, जो घोटाले हैं वो होते रहते हैं, आज़ादी के पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, मतलब सदियों से होते आ रहे हैं।
आप देखेंगे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, वो आज भी हमारी समाज में विद्यमान है। हालांकि ये भी चीज़ें अतीत की हैं, लेकिन आज भी जो हमारा भारतीय समाज है वो इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सका है। आज भी देखें जो इंडिया के अंदर जो पैट्रियार्की है, जो यहाँ का पैट्रियार्की, यहाँ की जो सोसाइटी है उसका जो नेचर कैसे पैट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान समाज है, और इसके इसकी वजह से हम देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पर हमको असमानताएं दिखती हैं, जेंडर के बेसिस पर भेदभाव होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने अतीत से जो उठाई हैं, और वो चीज़ें आज भी हमारे व्यवहार में शामिल हैं, और निश्चित रूप से जो ये चीज़ें हैं वो उपयोगी नहीं है, वो विनाशकारी हैं, देश के उत्थान में बाधक हैं, जो एक तरह से देश के विकास में एक बैरियर के तौर पे काम करती हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो बुक, अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नाम की जो बुक, इसको किसने लिखा है? तो 1939 में बी आर अम्बेडकर ने इस बुक को लिखा है। और इसमें आप देखें, अभी मैंने आपको बताया क्लास के शुरू में ही, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसकी जो हमें समीक्षा कर रहे थे, कि बी आर अम्बेडकर जो है, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी वो आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी राज्यों को एक जैसे अधिकार नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेशन भी है वो भी एक जैसा नहीं है। जो राज्य जिनकी संख्या, जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा है। और अगेन फिर आप देखें जो 2023 में यहाँ पे बी आर अम्बेडकर की किताबों के नाम दिए गए हैं, और फिर आपको इसको मैच करना है। जैसे कि आप देखें, अब देखिए एक नई किताब कहाँ पे को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो सही मायने में ये जो आप देख रहे हैं, फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एक बुक नहीं है, बल्कि एक पब्लिक मीटिंग में बी आर अम्बेडकर ने एक स्पीच दी थी, उसको जो है बाद में एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया। ये जनरली एक स्पीच ही है, जहाँ पे बी आर अम्बेडकर भारतीय जो लोकतंत्र है, खासतौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे आप देखें, और जो किताबें हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें, हुगर सूद्रास की बात करें, अनटचेबल्स की बात करें, तो देखिए ये तीन किताबें तो रिपीट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई किताब को जो है इंक्लूड किया गया है। और आमतौर पर जो सामान्य किताबें हैं वहाँ पर फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं की गई। और मैंने कुछ चीज़ें नोट कर रखी थी, लेट मी ऐड दिस इन दिस सेशन। जालंधर में 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 1951 को एक कॉन्फ्रेंस में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये जो बुक है या जो स्पीच है, उसको उन्होंने जालंधर में दिया था। कब दिया था? 28 अक्टूबर को 1951 में। और अगर बात करें इसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के, इसको ऑर्गेनाइज करें, तो सबसे पहले कौन सी बुक आएगी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक मानी जाती है बी आर अम्बेडकर की, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही है। तो ए बी डी सी यहाँ पे हम देखेंगे, ABDC कहाँ पे है? ऑप्शन 4 में है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस क्वेश्चन को दिसंबर 2023 में पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन एग्जाम कंडक्ट होता है नेट का, इसमें आप देखें बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बारे में बात की जा रही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इस सभा का जो गठन है बी आर अम्बेडकर ने कब किया था? 1924 में किया था। अभिनव भारत की बात करें, इस सोसाइटी को जो है सावरकर ने 1904 में इस्टेब्लिश किया था, सावरकर ने इस्टेब्लिश किया था। शारदा सदन की अगर हम बात करें, शारदा सदन को 1887 में पंडित रामाबाई ने इस्टेब्लिश किया था, रामाबाई ने इस्टेब्लिश किया था। और टलस्टॉय फार्म की बात करें, तो इसको 1910 में गांधी ने इस्टेब्लिश किया था। और क्या इसमें छूट रहा है? 1897 में हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन, 1897 में।
जो है रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कौन गया था? उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद, नाम नहीं याद आ रहा था उनका। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने जो है, कभी कभी क्या होता है कि किसी थिंकर का नाम आप रिकॉल करते हैं तो रैंडम वो चीज़ें आपकी ज़ुबान पे नहीं आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले 1887, तो डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर डी दो में है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचा कौन? सेकेंड और थर्ड। तो 1887, 1897, तो डी एंड सी यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब डी एंड सी, फिर बी की बात करें 1904, 1910 और लास्ट में फिर अब देखते हैं 1924। तो सबसे लास्ट में जो जिस समिति, जिस सभा की बात कर, इस ऑप्शन की हम बात करें, तो सबसे लास्ट में 1924 में बी आर अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत हितकारी सभा को जो है स्टाब्लिश किया 1924 में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूजीसी एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं किस यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसको आप 499 रुपीज़ सबमिट करके, 499 रुपये सबमिट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, जिसमें हम सभी टॉपिक ऑल्टरनेट यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, ऑल्टरनेट यूनिट्स को, और चाहे उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पे भी देखेंगे तो वहाँ पे मैंने जो इंडियन पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉकस, उनको मैंने कवर किया है। तो आज के सेशन में इतना ही, और आप देखेंगे इस सेशन को देखने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें आपने नई सीखी हैं, इसमें मैंने काफ़ी गहराई में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही।